अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में, जिसको हम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी भी कह सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि सोशियोलॉजी किसको कहते हैं, तो वो सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिर भी बताता चलूँ सोशियोलॉजी है क्या, फिर बाद में इसकी एप्लीकेशन या स्कोप के बारे में बात करते हैं। सोशियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ सोसाइटी, दैट इज़ कॉल्ड सोशियोलॉजी। किसी भी किस्म की सोसाइटी के बारे में स्टडी का नाम जो है वो है सोशियोलॉजी। एक सोसाइटी के अंदर लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोगों का कल्चर कैसा है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, यानी कि वो उनका रिलेशनशिप क्या है, उनके कस्टम ट्रेडिशंस क्या हैं, इसके बारे में स्टडी का नाम है सोशियोलॉजी। इन शॉर्ट, किसी भी किस्म की सोसाइटी के बारे में स्टडी का नाम है सोशियोलॉजी। ये ज़रूरी क्यों होता है? ज़रूरी इसलिए होता है कि जब भी हम किसी सोसाइटी में जाएं, वहाँ के लोगों को समझ सकें कि ये किस तरह से रहते हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, इनके कल्चर क्या है, इसलिए उनकी सोसाइटी को पढ़ना ज़रूरी है और इस स्टडी का नाम है सोशियोलॉजी। तो चलिए अब इसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं, यानी कि इसके स्कोप को देखें। सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है? पॉइंट नंबर वन, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर वन, सोशियोलॉजी कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ वर्क इन पीपल्स लाइव्स एंड इन मॉडर्न सोसाइटीज़। पहला पॉइंट जी, सोशियोलॉजी की मदद से हमें पता चलता है कि लोग किस तरह से काम करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। मॉडर्न सोसाइटीज़ जो आजकल लोग नए नए रस्म व रवाज, नए नए कस्टम ट्रेडिशन को अपना रहे हैं और नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, वो कैसी हैं, लोग किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग पे चल रही हैं, तो इसके बारे में हमें पता चलता है सोशियोलॉजी की मदद से, क्योंकि हमने सोसाइटी को पढ़ना है। जैसे ही सोसाइटी को पढ़ेंगे तो हम किसी किस्म के भी लोगों को जज कर पाएंगे, तो इसका मतलब हमें फ़ायदा होगा। तो सोशियोलॉजी क्या कर रही है? इसका सबसे बड़ा स्कोप कि हम लोगों को पढ़ रहे हैं, उनके काम को देख रहे हैं, वो कैसे करते हैं, उनके कल्चर को देख रहे हैं, सोसाइटीज़ किस तरह से बनती हैं, मॉडर्न सोसाइटीज़ कैसी हैं। तो सोशियोलॉजी का एक बहुत बड़ा स्कोप है, पॉइंट नंबर वन में। नंबर टू पे आए, द ग्रेट गोल ऑफ सोशियोलॉजी, यहाँ पर सोशियोलॉजी लिखना था, सोसाइटी लिख दिया गलती से। द ग्रेट गोल ऑफ सोशियोलॉजी इज़ टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। ग्रेट गोल, सबसे पहली बात कि हमें पता चल सके कि लोगों के बिहेवियर कैसे हैं, तौर तरीके कैसे हैं। आगे, प्रेडिक्ट पीपल्स फ्यूचर बिहेवियर, और हमें पता चल सके कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर लोगों का बिहेवियर कैसे होने वाला है। एक सोसाइटी के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं वो आने वाले दिनों में अपना बिहेवियर कैसे चेंज करेंगे, जैसे ही हम उसको स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। सोशियोलॉजी से हमें पता चलता है कि किस तरह से एक सोसाइटी जो है इंसान के बिहेवियर पर असरअंदाज होती है, किस तरह एक सोसाइटी जो है इंसान के बिहेवियर को चेंज कर देती है। एक सोसाइटी, एक कल्चर, ट्रेडिशन, रस्म व रवाज, रवायात, ये सब कैसे इंसान के बिहेवियर को चेंज कर देते हैं, सोशियोलॉजी की मदद से हमें ये पता चलता है। नंबर थ्री पे आए, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ग्रुप। सोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से लोगों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, किस तरह से लोग एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, या किस तरह से उनके ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी का नाम है सोशियोलॉजी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।